प्रधानमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे वो कोई पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, परिवार तक सीमित है वो पार्टी। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि इस वक्त मौजूद है हम जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में। आपको बता दें कि डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी जो पूर्व में राजद प्रत्याशी थे वो आज जनता दल यूनाइटेड का दामन थामा है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से वो जनता दल यूनाइटेड में आए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा उनको जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता दिलाई गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल को लेकर लगातार हमला किया है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से दिल्ली चले गए, दो सीटों पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव खत्म होते ही नतीजे आए और नतीजे के बाद लालू प्रसाद यादव जब दिल्ली गए इसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जमकर निशाना साधा है। सुनवाते हैं आपको कि आखिरकार ललन सिंह ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को लेकर क्या कुछ कहा। जिस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे वो कोई पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, परिवार तक सीमित है वो पार्टी। पार्टी का कोई नेता और कार्यकर्ता या कोई विधायक और सांसद पार्टी के नेताओं से जब चाहे नहीं मिल सकता है, ये वहां परंपरा है। वहां परंपरा है कि गेट पर सुबह 10 बजे आइए और 4 बजे तक खड़े रहिए और 4 बजे के बाद अगर कहीं एंट्री मिल गया तो मिल गया, ये संस्कार है उसका। और रहते कितना दिन है भाई, वो तो पटना में रहते ही नहीं है। पूरा पार्टी का नेतृत्व, पार्टी का पूरा नेतृत्व तो दिल्ली में रहता है। अब अभी देखिए, अभी चुनाव था तो चुनाव में आए सब लोग आके चुनाव में लगे। चुनाव खत्म नहीं हुआ कि पूरा परिवार एक साथ दिल्ली रवाना, ऐसा कहीं पार्टी चलता है भाई? बिहार के आप बिहार में राजनीति करते हैं, बिहार में रहना चाहते हैं, बिहार में सत्ता सुख का आनंद लेना चाहते हैं, तो बिहार की जनता के साथ जुड़े रहिएगा कि नहीं रहिएगा भाई? बिहार के जनता के दुख में सुख में शामिल रहिए। अगर दुख सुख में शामिल रहिएगा तो जरूर जनता आपको चाहेगी। अब जनता जब दुख में रहेगी तो आप दिल्ली में रहिएगा, और सुख भोगने के लिए जनता के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाइएगा चुनाव, ऐसा कहीं होता है? बिहार में बाढ़ की इतनी बड़ी विभीषिका थी, कहां थे प्रतिपक्ष के नेता, कहां थे उनका परिवार, कहां था वो पार्टी जिस पार्टी से आज धर्मेंद्र जी छोड़ के इस पार्टी में शामिल हुए? कहीं नहीं है। पूरा बिहार, पूरा देश कोरोना के महामारी से जूझ रहा था, कहां थे? कभी एक बार नहीं आए। उनके क्षेत्र के लोगों का भी देखे कहीं वीडियो, उन लोगों ने कहा कि बाढ़ में एक दिन हम लोग का हालो चाल नहीं पूछने आए। अब जो कंस्टिट्यूएंसी का अपने विधानसभा क्षेत्र का हालचाल नहीं पूछ सकता है, वो बिहार का हालचाल क्या जाने? ऐसे पार्टी में थे ही, लेकिन अब थे बेचारे शरीफ आदमी थे तो फंस गए थे। अब फंस गए थे तो निकल गए, आज निकल के ये आए हैं, ये इस पार्टी का भी सौभाग्य है और इनका भी सौभाग्य है, जहां इनको काम करने की पूरी आजादी मिलेगी और पूरी छूट मिलेगी। यही अंतर है।